Boombox. Hello here, I am Princy Jain, dancer and choreographer of this channel that is Boombox. So आज वापस हम एक नए कैंडिडेट के साथ आए हैं, that is आशा जी. ठीक है, आज हम लोग वापस कपल स्टेप्स करेंगे, कपल डांडिया स्टेप्स. आई होप आप इस वीडियो को खूब सारा एंजॉय करेंगे और ढेर सारा प्यार भी देंगे हमको. सो लेट्स स्टार्ट. हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम लोगों को, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि हम कोई भी स्टेप करेंगे तो राइट साइड से करेंगे, और जब हम खुद को, जब खुद के पास जो स्टिक्स हमको हिट करेंगे तो नीचे की तरफ से करेंगे, जब सामने वाले को करेंगे तो ऊपर की तरफ से हिट करेंगे. ठीक है, तो पहला स्टेप तो हमारा इस तरह से ही होगा, नीचे से मारना. ठीक है, लेकिन सेकेंड स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, जैसे फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया, फिर यहां से लेके आना है ऊपर तक और इसको हिट करना है. कैसे करना है, वन एंड टू. ये वाला डंडा बच रहा है उसको हमको हिट करना है. दिस इज योर थर्ड स्टेप. फोर्थ स्टेप में हमको वापस क्या करना है, वापस अपनी जगह पे हिट करना है. ठीक है, वापस इसको करते हैं. चार स्टेप कैसे करना है, वन टू थ्री एंड फोर. ठीक है, अभी हमने सिर्फ अपना हाथ का मूवमेंट बताया, पैर का मूवमेंट में हम लोगों को क्या करना है, वन टू थ्री एंड फोर. मतलब आपको वन और टू, वन और टू, आगे और फिर पीछे, इस तरह से करना है. तो ये तो अभी हमारे सिर्फ फोर स्टेप्स हुए. फोर स्टेप में हम लोगों का लास्ट पोजीशन क्या है, ये. ठीक है, ये एक पैर पीछे है. अब ये जो पैर पीछे है वो तो सीधा हो जाएगा, पर आगे वाला जो पैर है वो यहाँ जाएगा और एक हाथ उसी के साथ वाला हाथ नीचे जाएगा. ठीक है, तो वन टू, वन टू, वन एंड टू. अब ये जो आगे वाला पैर है उसको पीछे लेना है और फिर वापस हिट करना है. ठीक है, वापस हिट करेंगे और फिर सामने आकर सामने वाले को यू मारना है और गोल अपनी एक पोजीशन एक्सचेंज करनी है. अब इसी को हम लोग कैसे करेंगे वो करके दिखाते हैं. देखो कैसे करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड टॉन. इसी स्टेप को हम लोग लास्ट में वापस रिवाइज करेंगे. अभी हम आते हैं अपने सेकंड स्टेप पे. सेकंड स्टेप जो होगा, जैसे अभी जो था वो एट काउंट पे था, इस बार हम लोग जो करेंगे दैट विल बी ऑफ सिक्स काउंट्स. सिक्स काउंट्स में अगेन वही, हम लोगों को पहले अपना हाथ लेना है और इधर से मारना है. पहले फर्स्ट स्टेप तो ये रहेगा. ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप ऊपर, फिर वापस थर्ड स्टेप नीचे. ठीक है, और फिर फोर्थ स्टेप में हम लोगों को सामने वाले को मारना है और गोल घूमना है. वो अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, हम उसकी पोजीशन पे आ जाएंगे और फिर पीछे फाइव एंड देन सिक्स. अब इसी को हम लोग वापस करके बताते हैं कैसे करना है. वापस करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. ठीक है, एक बार वापस करवाते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेकंड स्टेप. नाउ कम्स टू थर्ड स्टेप. अब जो थर्ड स्टेप है वो आएगा हमारे फाइव काउंट पे, और फाइव काउंट पे कैसे आएगा वो हम लोग बताते हैं. पहले आपको वही वापस नीचे हिट करना है, फिर आपको ऐसे लेके पीछे आना है, फिर वापस आके इधर आना है, फिर यहाँ हिट करना है, फिर सामने वाले को हिट करना है. कैसे वो हम लोग अब करके दिखाते हैं. कैसे, वन टू थ्री फोर फाइव. फोर्थ स्टेप हम चालू करते हैं. अगेन दिस इज ऑन फाइव काउंट. फाइव काउंट में सबसे पहले आपको आशा जी करके आज बताएंगी ये वाला कैसे करना है. ठीक है, ओके आशा जी. वन, पहले आपको वन में क्या करना है, आपको वही राइट साइड में आपको हिट करना है. ठीक है, और सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, पास में आना है और इस तरह से हिट करना है. मतलब यू हैव टू मेक अ क्रॉस ओवर हियर, आपको क्रॉस बनाना है, और पहले अगर आप दूर हो तो आपको पास में आना है. फिर वापस जो आपका थर्ड स्टेप है आपको वापस क्रॉस बनाना है इस तरह से. ठीक है, फिर उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है उसमें सर्कल, मतलब आपको बैकवर्ड जाना है. बैकवर्ड कैसे, इधर बैकवर्ड, और आपको हिट करना है. दिस इज योर फोर्थ स्टेप. फिर काउंट, मतलब पूरा सर्कल पूरा करते हुए फिर आपको इस तरह से मारना है. वापस कैसे करना है एक बार वापस देखते हैं. वन टू थ्री फोर एंड फाइव. ठीक है, एक बार और हम लोग आमने सामने फेस रख कर कैसे करना है वो दिखाते हैं. ठीक है, वन टू थ्री फोर एंड फाइव. तो नाउ कम्स टू फिफ्थ स्टेप. फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है, पहले नीचे काउंट एक बार यहां मारना है, फिर सामने नीचे, फिर सामने ऊपर. ठीक है, तो तीन काउंट थे आपके ये हुए. फिर फोर्थ काउंट
से शो करना है, ठीक है? इस तरह से देखो, हाथ हम दोनों के ऊपर है, इस तरह से शो करना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको हिट करना है और वापस इस तरह से करना है, ठीक है? अब वापस हम इसको करके बताते हैं। ये तो हमारे सिर्फ हाथ के मूवमेंट हुए, पहले हाथ के मूवमेंट अच्छे से करते हैं। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड फिर 5 एंड फिर 6, ठीक है? तो दीज आर आर हैंड स्टेप्स। नाउ कम्स टू लेग। लेग का कैसे मोशन इसके अंदर होगा वो अब हम सीखेंगे। देखो कैसे करना है। पहले नॉर्मल, इसमें कुछ भी नहीं करना, 1। लेकिन जब हम लोग आगे नीचे मार रहे हैं तो हमको एक पैर से जंप करना है, फिर ऊपर कर रहे हैं एक पैर से जंप, फिर ऊपर कर रहे हैं एक पैर से जंप, और फिर उसके बाद नीचे जंप और फिर इसमें भी जंप। मतलब आपको 1 2 1 2 1 2 आपको यही मोशन आपके पैर इस वाले स्टेप्स में रखना है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम लोगों का आज फिफ्थ स्टेप कंप्लीट हुए। 5 फर्स्ट स्टेप था 8 काउंट्स का, सेकंड स्टेप था 6 काउंट्स का, एंड बाकी के जो 3 हैं वो हैं अपने 5 काउंट्स के, ठीक है? तो अब हम लोगों को इसका रिवीजन चालू करना है। रिवीजन जो है वो हम हर बार दो दो बार करेंगे, ठीक है? और उसको ही हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 and 5 1 2 3 4 and 5 1 2 3 and 4 and 5 1 2 3 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 and 4 and 5 1 2 3 4 and 5 गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाय बाय।